यूपी के बुलंदशहर में दिनदहाड़े कंपनी के कलेक्शन एजेंट ने 9.50 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कलेक्शन एजेंट बैंक में कैश जमा करने बाइक से जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने इस लूट कांड को अंजाम दे दिया। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने कलेक्शन एजेंट को तमंचे की बटों से भी पीटा है। वारदात की सूचना पर SSP समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। इस मामले में पुलिस कलेक्शन एजेंट से भी पूछताछ कर रही है। शहर की नाकेबंदी पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं आपको बता दें कि ये पूरी घटना बुलंदशहर कोतवाली सिटी के अति व्यस्त इलाके प्रेम नगर कॉलोनी की है। लूट की घटना हुई है, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है और सर क्या अब तक पुलिस जाँच में निकल पाई है? ये प्रेम नगर थाना क्षेत्र में एक रेडियंट कलेक्शन एजेंसी के कर्मचारी वो बाइक से जा रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पे दो लोग आए और उनसे उनका बैग छीन कर ले गए। इससे संबंधित कुछ जानकारी अब तक हम लोग को प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ CCTV फुटेज इत्यादि भी, जिसके आधार पर पूरे जनपद भर में चेकिंग कराई जा रही है। इनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और हमारी 5 टीमें इस घटना के अनावरण पे लगा दी गई हैं और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण। सर लगभग कितना अमाउंट बता रहे हैं? इनके द्वारा बताया गया है, अभी ये चेक भी कर रहे हैं, लगभग 9 लाख के करीब इनके पास पैसे। ठीक। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।